तहसील मुख्यालय परसवाड़ा में एक निवास वाले घर पर लगभग 7 फीट लंबा धामन सांप चारपाई के पाए में लिपटा देख घर के लोग घबरा गए और पड़ोसियों को आवाज लगाई। वहीं लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वन विभाग को सूचित किया, जहां तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचकर सांप को पकड़कर बोरी में भरा व कालापानी स्थित जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी तिवारी ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि सांप दुर्लभ वन्य जीव है व प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इन्हें सावधानी पूर्वक पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सकता है। कहीं भी सांप दिखे तो वन अमले को सूचित करें। इस दौरान परसवाड़ा वन परिक्षेत्र सहायक देवेंद्र प्रसाद तिवारी, वन रक्षक ब्रजेंद्र जाटव, रामनरेश शुक्ला, वरकड़े सहित वन कर्मी उपस्थित रहे। आज करीब 11 बजे सूचना मिली कि ग्राम परसवाड़ा में एक शिक्षक रहते हैं, उनके घर में एक सांप घुसा हुआ है, अंदर तकत के पाए पाए में लपेटा हुआ है। जिसकी सूचना पाकर हम वन अमले के साथ मौके पर गए तो हमने देखे कि सांप जो है वो तकत के पाए से लपेटा हुआ था और संभावना ये जताई जा रही है कि सांप धामन सांप है वो, और धामन सांप अधिकांश मतलब चूहा वगैरह का भोजन करते हैं, इसलिए वो घर के अंदर आया होगा। और काफ़ी मतलब परिवार उस घर में रहते थे जहां काफ़ी दहशत का महिलाओं में माहौल देखा गया, जिसे हम लोगों के द्वारा सुरक्षित उसे पकड़कर और आज अभी जंगल में छोड़ दिया गया। क्या है ये तो एक डेरिंग हो जाती है। अच्छा। और काफ़ी सावधानी भी रखना पड़ता है क्योंकि अपनी सुरक्षा को देखते हुए हर काम हम लोग करते हैं। जब भी ऐसी कोई सूचना अगर मिलती है तो हम लोग बिल्कुल जो है अवश्य अगर उपलब्ध हैं तो हम तत्काल जाकर और मतलब हमसे जैसा भी हो सका हम लोग पूरी कोशिश करते हैं पकड़ने की और पकड़ ही लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है हमारा उद्देश्य ये रहता है कि वन्य जीव एक दुर्लभ प्राणी है और इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके रहवास में, ये हमारा उद्देश्य रहता है। प्रदेश के परसवाड़ा बालाघाट से विशाल महानंद की रिपोर्ट।